सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले कि कैसे आप ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम लगाकर 2 करोड़ तक अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैच में कौन सी टीम बनाएंगे तो आप 2 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप कौन से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेंगे तो आप ये अर्निंग जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर कर लेना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको डाउनलोड तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, साथ ही आपको इनविटेशन कोड भी दिया गया जिसे दोस्तों आप डालेंगे तो आपको 500 रुपए तक बोनस मिल सकता है ड्रीम इलेवन में। तो रजिस्ट्रेशन करते समय मेरा इनविटेशन कोड आप जरूर डालिएगा। अब इसके बाद दोस्तों चलिए जैसे आप ऐप को ओपन कर लेंगे यहाँ पे आपको सारे मैचेस दिख जाएंगे, यानी दोस्तों जो भी मैच करंट में हो रहे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में तो आपको दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स हैं ड्रीम इलेवन में मौजूद वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्रिकेट कबड्डी जो भी है सब कुछ आप देख सकते हैं। मेनली तो हम दोस्तों क्रिकेट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी करंट दोस्तों आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में देख सकते हैं जो अगला मैच है वो गुजरात और दोस्तों पंजाब का है, तो यहाँ पे आप उसकी टीम बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी अलग मैचेस है वो आने वाले अपकमिंग है वो आपको नीचे की तरफ शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे चले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों जो भी टाटा आईपीएल के अपकमिंग मैचेस है वो आपको इस तरह से स्लाइड करने पे शो हो जाएंगे। तो आप जिस भी मैच में टीम बनाना चाहते हैं उस मैच को सिलेक्ट करके वहाँ पे आप टीम बना के वहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको पंजाब और गुजरात का जो मैच होने वाला है उसकी टीम आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर 57 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट दिख जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें दोस्तों आपको प्राइस कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप न्यू यूजर रहेंगे ड्रीम इलेवन पे तो आपको एक कॉन्टेस्ट मात्र 24 रुपए में ज्वाइन करने को मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पे आपको देख सकते हैं ढेरों कॉन्टेस्ट मिलेंगे जो कि दोस्तों अगर आप न्यू यूजर रहेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करेंगे और इनविटेशन कोड डालेंगे तो आपको भी इस तरह से ऑफर दिख जाएंगे कि दोस्तों आपको जो कॉन्टेस्ट है वो लगभग आधे दामों में मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं जो 49 रुपए का कॉन्टेस्ट है वो आपको 24 रुपए में सो रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ही 57 करोड़ का है, दूसरा दोस्तों 58 करोड़ का है, और इसके अलावा जो नीचे है वो 2.56 करोड़ का है। तो चलिए आपको दिखाता हूं जो 57 करोड़ का प्राइस पूल वाला कॉन्टेस्ट है इसमें आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अगर आप नंबर 1 आते तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे, इसके अलावा नंबर 2 आते तो 1 करोड़, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अर्निंग बाकी की सो रही होगी। तो यहाँ पे आपको काफी एंड तक देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है, यहाँ पे दोस्तों लगभग 1 करोड़ से ज्यादा विनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस कॉन्टेस्ट में। तो इसके अलावा जो बाकी कॉन्टेस्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 18 करोड़ वाला जो प्राइस पूल का कॉन्टेस्ट है इसमें भी आप देखेंगे तो आपको काफी सारे विनर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसका लीडर बोर्ड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितनी रैंकिंग आएगी तो आपको कितना प्राइस मिलने वाला है। यहाँ पे चलिए आपको 1 से 1 भी देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहे उसका दोस्तों आप लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि कितना प्राइस आपको कौन से रैंक में मिलने वाला है। तो चलिए देखिए जब हम ये सब कर लेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्रिएट टीम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको टीम बना लेनी है, तो चलिए सबसे पहले विकेट कीपर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको विकेट कीपर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रिद्धिमान शाह को सेलेक्ट करता हूँ और प्रभु सिमरन सिंह को। तो विकेट कीपिंग में आपको दोस्तों जितेंद्र शर्मा भी मिल जाते हैं तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पे मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है बैट्समैन की, तो बैट्समैन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं शिखर धवन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद शुभमन गिल को। अब यहाँ पे दोस्तों आप डेविड मिलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे मैं साई सुदर्शन के साथ जा रहा हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे आपको और सारे बैट्समैन उतने ज्यादा खास देखने को मिलते नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, आप दोस्तों 4 भी जा सकते हैं, मिलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ज्यादा बैट्समैन नहीं ले रहा क्योंकि दोस्तों इस टीम में ऑलराउंडर और जो बॉलर है वो काफी अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ पे चलिए अब ऑलराउंडर की बात आती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शैम करन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे, पर आपको दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हार्दिक पांड्या नहीं खेलते तो उनकी जगह यहाँ पे दोस्तों फिलहाल आप विजय शंकर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विजय शंकर को ले लिया। अब इसके बाद बॉलर की बारी आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद शामी, और इसके बाद दोस्तों आपको राशिद खान सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 बॉलर तो आपको मेनली जरूर सेलेक्ट करना है। अब इसके अलावा दोस्तों आप अर्षदीप सिंह, और यहाँ पे आप पंजाब से नेथल ईल्स को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो गुजरात के अलजारी जोसेफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको रबाडा को सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको बॉलिंग में तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पर दोस्तों अगर इस मैच में पंजाब की तरफ से अगर रबाडा खेलते हैं तो मैं उन्हीं के साथ जाना प्रेफर करूंगा। अगर ये नहीं खेलते तो इनकी जगह मैं अलजारी जोसेफ या फिर दोस्तों नेथन इल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। तो आपकी जो भी मर्जी है, आपकी जो भी टीम में रखना चाहते हैं जिस खिलाड़ी को उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों रबाडा अगले मैच में खेलेंगे, यानी इस मैच में खेलेंगे तो दोस्तों मैं उन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, और उससे पहले दोस्तों आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने को बोलेगा। पर मैं आपको चलिए एक बार पहले प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हमारी टीम बनी कैसी है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी टीम दिख जाएगी। अभी इसमें हमें कोई वाइस कैप्टन और कैप्टन सेलेक्ट किया नहीं है, तो चलिए अब जल्दी से कैप्टन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे शिखर धवन को कैप्टन मिलूंगा, और इसके अलावा दोस्तों जो वाइस कैप्टन मैं लेना चाहूंगा वो मैं विजय शंकर के साथ जाऊंगा या फिर राशिद खान के साथ जाऊंगा। अब दोस्तों आपको बता दूं जो कैप्टन रहता है उसके आपको 2 गुने पॉइंट मिलते हैं, अगर उसके 4 पॉइंट है तो आपको 8 मिलेंगे अगर आपने उसे कैप्टन बनाया, तो बाकियों को 4 मिलेंगे और आपको 8 मिलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है उसको आपको 4 के 6 पॉइंट मिलेंगे, यानी 1.5 गुना पॉइंट मिलते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें सब्स्टिट्यूट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी सब्स्टिट्यूट में रखना चाहते हैं 4 खिलाड़ी उन्हें सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पे मैं चार खिलाड़ी आपको जो भी दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं मैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेविड विलर, इसके अलावा दोस्तों अल्दारी जोसेफ, और इसके बाद दोस्तों राहुल चेहर और सिकंदर रजा को सब्स्टिट्यूट में रख लूंगा। इसके बाद आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, पर उससे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी पूरी टीम बन चुकी है, कैप्टन वाइस कैप्टन हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों आपको कोई एकदम ये नहीं कि आप ही टीम बनाइए, आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस दोस्तों मेरी सजेशन है टीम, बाकी आप अपने हिसाब से लगाइएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है टीम आपको सेलेक्ट करनी है और ज्वाइन कर लेना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।